नमस्कार, आप सभी का आप बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों के लिए शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है इस नाम की औरत। समय रहते सावधान हो जाओ वरना जिंदगी को नर्क बनाकर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम ज्योतिष शास्त्र में बताए गए आप लोगों के तुला राशि के जीवन में सबसे घातक महिला के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि इस नाम की महिला दुश्मन आपके जीवन में है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। यह हर तरीके से आपको जिंदगी को बर्बाद करने की साजिश रच रही है दोस्तों। यहाँ तक कि यह औरत आपके जीवन में काली शक्तियों का प्रयोग करके भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकती है। आपकी तरक्की को देखकर हमेशा जलन होती है इस नाम के औरत को दोस्तों। इसकी खास बात यह है कि आप इसको पहचान भी नहीं पाएंगे। यह आपके साथ ही रहकर, आपके आसपास ही रहकर आपको बड़ी घातक नुकसान पहुंचाएगी। इस औरत के बारे में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन जान लेते हैं उससे पहले अगले 24 घंटों का राशिफल। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सके। तो दोस्तों, छात्रों के लिए यह समय करियर से जुड़े नए बदलाव को ला सकता है। अगर आप किसी बिजनेस व्यापार की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आपको सभी दिशाओं से समर्थन प्राप्त होगा तथा आपको आगे बढ़ने के लिए अच्छे अच्छे मार्ग भी जरूर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी पेशे वाले लोगों के जीवन में शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। अचानक से पदोन्नति से जुड़ा हुआ शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आकस्मिक लाभ की पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी पर आपका भरोसा बढ़ेगा तथा दोनों के बीच रिश्ते में मजबूती आएंगे तथा पिता का सहयोग भी आपको प्राप्त हो सकता है। मां लक्ष्मी की आराधना करने से आपके जीवन में आकस्मिक लाभ प्राप्ति होंगे। आपको कोई विशेष कार्य पूरा हो सकता है। आपके मन में चल रहे योजनाओं पर कार्य करने का मौका भी प्राप्त होंगे। आप किसी नए प्रोजेक्ट पर आज के दिन कार्य कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपके आमदनी के स्रोत में विकास तो दिखाई दे रहा है। एक जगह से बजाय कई जगह से धन की प्राप्ति होंगे। पेट, हृदय और रक्त रोग से आपको मुक्ति मिलेंगे। पारिवारिक में सभी का स्वास्थ्य उत्तम रहेंगे। कब और आप लोगों के रिश्तेदार के लिए मदद मांग सकते हैं। संतान पक्ष से जुड़ी हुई समस्याएं अब आपकी हल होने वाली हैं। संतान आपकी बातों से प्रभावित हो सकता है तथा आपकी बड़ी बात मान सकता है। उच्च अधिकारी से आपका संपर्क होने के कारण आपको बड़ा फायदा हो सकता है। घर के कार्य को लेकर आपकी चिंताएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, लेकिन आप अपने कार्य कौशल के द्वारा सभी समस्याओं का समाधान आसानी से निकालेंगे। मन स्थिर रहने के कारण आप लोगों के जीवन में परेशानियां हो सकती हैं। ठंडे दिमाग के साथ कार्य करने पर आपको लाभ होगा। जीवन साथी से समय बिताने का मौका भी प्राप्त होंगे। और किसी अजनबी व्यक्ति की राय लेकर अगर आप कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपको बड़ी कामयाबी भी हासिल होंगे। छात्रों को मेहनत का पूरा फल भी प्राप्त हो सकता है तथा इनको अपने शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुआ बड़ा शुभ समाचार प्राप्त अचानक से होगा। करियर को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। लंबे समय से चली आ रही जटिल समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकते हैं। कार्यवाहियों को आने वाले समय में आपको बड़ा लाभ हो सकता है। आपके जीवन में बड़ा नुकसान आपको दूर होंगे। अचानक से आपके किस्मत में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आपको कहीं से इतना बड़ा मौका आगे बढ़ने के लिए हाथ लग जाएगा कि जो आपके लाइफ में प्रगति कर सकता है। आपको मनचाहे कार्य में अवसर प्राप्त होंगे। शेयर बाजार से जुड़ा हुआ लोगों को भी निवेश से बड़ा लाभ हो सकता है। मुश्किल किया गया निर्णय भी आपको तरक्की की ऊंचाई पर ले जाएगा। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं उस औरत के बारे में जो आपके जीवन को नर्क बनाकर रख सकती है। शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है यह औरत। दोस्तों यह जानकारी आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यह कर्क अथवा मेष राशि के जातक हो सकती है। यदि नई इस राशि के जुड़ी हुई महिलाएं आप लोगों के जीवन में उपस्थित हैं तो आपको बेहद सावधान हो जानी चाहिए। यदि इस राशि वाले लोगों के शत्रु आपके जीवन में हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उनसे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। दोस्तों आप इनसे सावधान रहकर ही इनसे बच सकते हैं। नीचे सच्चे दिल से आप जीवन में जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति करेंगे और जैसे ही ये सारी की सारी औरतें आप लोगों के जीवन से दूर होंगे
आप लोगों को हर क्षेत्र में बड़ी कामयाबी की प्राप्ति होंगे, शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे, आपके जीवन का दुखों का अंत हो जाएगा, प्राप्ति भी हो जाएंगे, कार्य क्षेत्र में भी आप लोगों को सफलता मिलेंगे तथा आप लोगों को किसी लेन देन के क्षेत्र में साझेदारी से किए गए कार्यों का बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति भी होने वाली है। मानसिक और शारीरिक समस्याओं से भी आप लोगों को छुटकारा मिलेंगे, रुपए पैसे में वृद्धि होंगे, परंतु आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित होंगे जो आप लोगों के जीवन के परेशानी का वजह बन सकता है, परेशानी के कारण बन सकते हैं। दोस्तों इस समय आप लोगों को किसी भी अनजान व्यक्तियों पर बचने का प्रयास करने होंगे, आप लोगों को अनजान लोगों पर भरोसा करने से बचने की कोशिश करने होंगे। आपका दिन बहुत ही ज्यादा शुभ रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में इस समय पद्मश्री की प्राप्ति होंगे। जो लोग व्यापार व्यवसाय हैं, जो लोग इस समय बिजनेस व्यापार को करते हैं, उन लोगों को भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। आपको किसी प्रियजनों की मदद से रोजगार की प्राप्ति होंगे। व्यापार में भागा दौड़ी भी अधिक होने से आप लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य भी आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे। आपको संतान की ओर से बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। यदि संतान कहीं निवेश करने का मन बनाए हैं तो अवश्य करें। भविष्य में आप लोगों को इनसे बहुत ही ज्यादा फायदे की प्राप्ति होंगे। आप लोगों के सोचे हुए कार्य भी अवश्य पूरे होंगे। आप लोगों का दिन भी आपको नए अनुभवों की प्राप्ति करवाने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आज आप क्या खा रहे हैं। खाना को खाते समय आपको बहुत ही परहेज रहने होंगे। आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी लचीली होंगे, जिसके कारण भी आप लोगों को पहले से अस्वस्थ होकर आप लोगों को थोड़ा सा लाचार महसूस कर सकते हैं। आपको खान पान पर ध्यान रखने होंगे। आप लोगों को बाहरी वस्तुओं से भी बचने का प्रयास करने होंगे। मित्रों यह समय सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएंगे। आप लोगों की राशि के स्वामी शुक्र भी आपकी राशि में भ्रमण करेंगे, जिसका कि शुभ परिणामों की प्राप्ति होंगे। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होंगे, प्रेम संबंधों में मजबूती होंगे, नए प्रेम प्रकरण बन सकते हैं, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त होंगे, आपके सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि होंगे, लोग भी आपके कहे अनुसार चलेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से अगोचर अत्यधिक शुभ रहने वाला है। आप लोगों के समृद्धि में वृद्धि होंगे, नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति करोगे। करियर की बात करें तो लाभ की स्थितियां रहेंगे। आपको कार्यस्थल में भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, लोग आपसे ईर्ष्या और लोग आपकी सफलता को देखकर जलेंगे, आपसे ईर्ष्या का भाव रखकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। धैर्य रखें, कारोबारियों को भी इसमें बहुत सतर्कता के साथ कार्य को करने की जरूरत होंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को किसी न किसी रूप में अपने शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत होंगे। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।